जनता को लुभाने के लिए जनप्रतिनिधि क्या क्या नहीं करते, वोट पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ना तो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और ना ही इसकी तारीख ऐलान की गई है, लेकिन उससे पहले ही सड़कों पर मुर्गे बटने शुरू हो गए। ऐसा ही एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सामने आया, जहां के पूर्व सभापति ने मतदाताओं को लुभाने के लिए ट्रक भर के मुर्गे बंटवाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कतार में लगे जिन लोगों को मुर्गा नहीं मिला, उन्हें भरोसा दिया गया कि अगली बार उन्हें मुर्गा दिया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और वोटों की तैयारी को लेकर काम चल रहा है। इसी के चलते पूर्व सभापति ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कस्बा कांधला में एक ट्रक मुर्गे बंटवाए। वहीं इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। भाई मुर्गों की लग रही है, अच्छी मुर्गे बांट रहा चेयरमैन जी में। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हैं? चेयरमैन जी में उठेंगे। हाँ। और चेयरमैन जी के जो है ना मुर्गा बांट रहा है, अभी किसी चेयरमैन ने कोई काम नहीं करा जितने अज्जी ने काम करा आज तक। तो वोट आप किसको वोट दोगे? अज्जी को वोट देंगे भाई। अच्छा, पूरे कांधले के साथ में कहाँ कहाँ बटे हैं मुर्गे? मुर्गे भाई पूरे शहर में बट रहे, पूरे शहर में बटे, जहाँ नहीं बटा वहाँ भी जाएगा मुर्गा। क्या ये हर घर में मुर्गा जाएगा? अच्छा अच्छा, हाँ कोई घर नहीं बचेगा। तो चुनाव को लेकर ही वोट? हाँ चुनाव के लेकर वोट है जी। अच्छा, वोट के लिए, वोट रोक वोट के लिए जो है, चुनाव के लिए है सब काम जो है। जनता को लुभाने की इस तरकीब पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।